हिल फिगर में जाके ना पूरा सा कोट लेना पड़ा था, उन वाला अच्छा वाला, इतने महंगा था पर बहुत अच्छा था। आई वाज लाइक नहीं नहीं मुझे अभी पहनना है, अभी दे दो मुझे। या सो दिल्ली इज रियली कोल्ड, बॉम्बे गेट्स चिली, एंड गोवा में तो मैं तो शॉर्ट्स में घूमी हैं। यू गॉट न्यू स्वेट, परफेक्ट परफेक्ट, हां गोवा इज ऑलवेज परफेक्ट, वेल नॉट रियली। अरे ये नहीं हिलता यहाँ से। हेलो, वेलकम टू बिग बॉस 17 लाइव रिव्यू। मेरे साथ एंडी एंड हमारे साथ ज्वाइन करेंगे चुगली गैंग, पर उससे पहले लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। रिव्यू में किचन हो जाता है सुबह क्लोज्ड, और विकी भाई को लगती है इतनी भूख इतनी सुबह सुबह, बट देखते हैं कि ईशा भी कितनी कहती है कि बस हो गया बिग बॉस, और कितना मुश्किल बनाओगे मेरे लिए बिग बॉस, ओह माय गॉड बिग बॉस। अच्छा लाइट थोड़ा ज्यादा नहीं पड़ रहा है, एक सेकंड मैं लाइट को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, लाइट्स को एडजस्ट, या दैट्स, ओह दैट्स बेटर, नाउ माय टी-शर्ट इज नॉट ब्लीडिंग। ओके सो लेट्स कंटिन्यू। सो बेसिकली यहाँ पे मुनव्वर शुरुआत सुबह ही शुरू हो जाता है बेसिकली, विकी को पूछने तुमने अभिषेक को मेरे अगेंस्ट भड़काया, तो वहां पे विकी तो है ही, मतलब चंट मासा है वो तो, मतलब जब भी कोई उसको बोलता है वो इधर की उधर करता है, ऐसे घूम जाता है, और कभी एक्सेप्ट नहीं करता कि वो कभी गलत भी था। तो उसने शुरू कर देता है कि आयशा के बारे में अभिषेक ने क्या बोला, जो खुद बोला उसका नहीं उसको खबर देनी या लेनी, उसको बस दूसरे को डाइवर्ट करना। पर मुन्ना भी मतलब बहुत अच्छे तरह से इंटेलिजेंट है भाई, वो बार बार घुमा के वहीं पे लेके जा रहा था जहां पे उसको पता करना था क्या हुआ। पर फिर भी विकी ने उस टाइम में कंप्यूटर, अपना दिमाग जो उसका कंप्यूटर दिमाग था, टू 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 करके उसने कुछ और ही उसका सिचुएशन बना दिया और किसी और के ऊपर सर पे डाल दिया। एंड फिर वहां पे जो जहां आती है नील भी शुरू हो जाता है, नील की तीली, वो तीली का काम शुरू हो जाता है उसका, क्योंकि उसको भी विकी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ बोलना ही होता है, उसको भी दिखना होता है, उसको भी अपनी आवाज, दो दिन से वो रो रहा था तो आज उसने सोचा कि मैं अच्छी तरह से दिख जाऊं, चलो ठीक है। तो ये मुझे अभी ये बात होती है कि आउरा के साथ बैठते हैं मुनव्वर, और बहुत वहां पे वो सिखाते हैं उसको कि आयशा बहुत अच्छी लड़की है, आयशा जो है ना जो मेरा बैंड बजाने आई है, जिसके पीछे मैं घूम घूम के पागल हो रहा हूँ, वो बहुत अच्छी औरत है, उसके उसका कोई वो नहीं है, वो बहुत गुड है, और अगर वो तुम्हें चुम्मा भी ले लेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। और वहां पे जो मनारा शुरू होती है, मनारा ने वहां पे जो प्रवचन किया सबके साथ में आके, ओ माय गॉड, देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, मनारा वहां पे अग्नि थी, साक्षात अग्नि बन के आई थी, अग्नि का अवतार था उसका, वो उसको तो बस अभी उसको मिल गए हैं अपने शमरू और डमरू, यानी कि ईशा और समर्थ, और वो उसके बैकिंग, उसके दो हथियार बन गए, उसके राम लखन होते ना राखी के मूवी में, राम लखन का मूवी था ना पिछले जमाने में, मेरे राम लखन, अच्छा मेरे वो तो करण अर्जुन था, कोई बात नहीं, वो कुछ भी हो, करण अर्जुन राम लखन सेम टू सेम, वो ही मतलब मेरे दो अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन, तो वो जो हथियार बन गए आए थे, उसके हथियार बन गए, उसकी रीत की हड्डी सब मजबूत हो गई है, जिस तरीके से ईशा और समर्थ मनारा को सपोर्ट कर रहे हैं और उसको ऐसे सिखाते हैं कि तुम्हें गिल्ट में नहीं जाना है, तुम्हें सॉरी नहीं बोलना है, एंड आई थिंक ये तो बिल्कुल सही है, अगर मनारा को कुछ बोलना है तो उसको बोलने दो। एंड पर वहां पे जो उसने बोला ऊंची आवाज में, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि आउरा ने जो चीजें तुम्हें बोली थी कॉन्फिडेंस में, तुम ऊंची ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बन के सबको बता रही हो, क्योंकि वो आपके हित के लिए काम कर रहा है, एंड दैट्स नॉट ओके एक्चुअली, क्योंकि आउरा ने जो भी तुम्हें बोला था
वो तो मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए था, पर आपने उसको इस तरह से इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे इस्तेमाल करके आपने आयशा को डाउन दिखाया, आपने मुनव्वर को डाउन दिखाया, और मतलब आप तो बोलती रही, वाह वाह वाह। मतलब अगर देखा जाए एंटरटेनमेंट तो अब मनारा दे रही है, लेट्स बी ऑनेस्ट। हाँ वो थोड़ी सी कह सकते हैं रूड थी, डेफिनेटली रूड थी, वहां पे रूडनेस थी, बट आई हैव टू से इट वॉज एंटरटेनिंग। मतलब सुबह वो शुरू ऐसे हुई, एंड ऐसे उसने बक्की उड़ाई है ना आयशा की और मुनव्वर की, वो फनी तो लगना था। एंड यू नो व्हाई नॉट, अगर उसको पूछ बोलना है तो क्यों, बोल सकती है, बोलने का शो है, बोलने के लिए आए हैं, अपना पक्ष रखने आए हैं, वो रख रही है, रखने दो किसी को। वो कहते कहते हैं ना कि जो 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 सच्चाई होती है वो थोड़ी तीखी होती है, जो यू नो ट्रूथ हर्ट्स, वो ही हो रहा था मना के साथ। एनीवे, तो दैट इज क्वाइट फनी। तो वहां पे मनारा ने ये भी देख लिया कि औरा के कान कैसे भरे जा रहे थे, वहां पे मैनिपुलेशन शुरू था मनावर का, कि ये जो है ना, ये जो तेरी बात करी गई है वो अभी सबको बता रही है, हाँ ये मनारा ठीक नहीं है। पर औरा के दिमाग में तो कुछ पड़ता ही नहीं है, तो कोई फायदा ही नहीं है उसको कुछ समझाना ना समझना। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या ये क्या है, हाँ तो वहां पे जो अनुराग शुरू हो जाता है बीच में आके, और वो ऐसी सारी चीजें बोलना शुरू कर देता है जो मुझे तो फनी लगी। अनुराग बोलता है मनारा को कि अभी तुम्हें तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, वो सब कुछ ठीक था, पर वो पॉइंट जहां पे उसने बोला तुम लड़कों को घुमाती हो, वहां पे मुझे थोड़ा ऐसा हो गया कि एक सेकंड, अभी तुम थोड़ा ज्यादा जा रहे हो। और फिर उसके बाद आपने बोला मेरा एक बाइक में तेरा घर जाएगा, और वहां पे ऑब्वियसली उठा के कॉपी पेस्ट, वो तो घर के अंदर कॉपी पेस्ट बोल रहे थे, अरुण बोल रहा था। एंड वही तो बात है ना, अपना खो तो आपका क्या वजूद है भाई, आप दूसरे लोगों के पिछले सीजन से ही उठा उठा के चीजें लेके आ रहे हो, अपना कुछ करो अनुराग। पहले तुम फनी लग रहे थे और तुम सही बात कर रहे थे, हम आपके साथ हैं, पर फिर आपने गलत बोलना शुरू कर दिया, और फिर आपने बकवास करना शुरू कर दिया, और जो आपने बकवास किया वो ठीक नहीं था। और मुझे यहाँ पे हिपोक्रेसी की भी सीमा अब यहाँ पे ठाननी है, कि ये बात है कि भाई अगर कोई आपकी बहन का नाम ले देता है शो में तो आप तो शुरू हो जाती है आपकी, पर आप अभी मनारा की फैमिली को लेके आ सकते हो, वो ओके है, तो ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। जो मॉरल्स आप दिखाना चाह रहे हो कि मेरी बहन ये, मेरी बहन वो, तो या वहां पे मुझे याद आ गया कि अगर मनारा ने एक सेकंड के लिए भी होटल शब्द का इस्तेमाल कर दिया होता, वहां पे तुम लेट जाते और रोना शुरू कर देते। उसने भाविया का नाम ले लिया, उसने आपकी माँ का नाम लिया, फिर आप तो थोड़ा हु, 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 शुरू हो गया था। तो देखो भाई ये हिपोक्रेसी है। अगर आप मॉरल हाई ग्राउंड पे बैठना चाहते हो, फिर वो चीजें मत करो जो आप दूसरों में निकाल रहे हो। तो मुझे तो वो अच्छा नहीं लगा। पर एक्चुअली एक सेकंड के लिए मुझे लगा, एक सेकंड अनुराग तो सही बोल रहा है, बड़ा हंस आ रहा है, पर फिर उसने एक क्षण में वो सब कुछ फिर से बदल दिया। और मुझे ये तो सबसे फनी बात ये लग रही थी कि दुश्मनों का दुश्मन दोस्त, ये बात तो बिल्कुल सही निकली। अभी मुनव्वर भी मनारा का दुश्मन है तो अनुराग का दोस्त बन गया, ये क्या हुआ? आज मुनव्वर भी अनुराग के लिए बोल रहा था, अनुराग भी मुनव्वर के लिए बोल रहा था, अब आपकी दुश्मनी गई तेल लेने। ये मतलब कौन सा स्टैंड है भाई, ये कौन सा स्टैंड है? मुझे तो नहीं लगा। और मुझे ये भी कहना है कि देखो समर्थ जब भी बोलता है बहुत बदतमीजी करता है, डेफिनेटली बदतमीज है भाई, पर जो वो बोलता है जाके किसी की मुंह मजाल नहीं कि उसके सामने बोल दे, क्योंकि वो तीखे तीखे शब्द इस्तेमाल करके सच्चाई मुंह पे थोक देता है, और ऐसा ही हुआ आज। समर्थ ने जाके वो ही सारी चीजें पकड़ी कि भाई तुम जो बोल रहे हो वो ठीक है अनुराग, और मुनव्वर को जाके मुंह पे बोल रहा है कि तुम तो बड़े महान हो, तुम तो ये, तुम वो, मतलब सबसे आप कह सकते हैं कि भाई हाँ। देखो यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हो रहा है चैट में, बुलियिंग इज नॉट फनी, अच्छा, बुलियिंग, पर बुलियिंग तो सब कर रहे हैं, कौन बुली नहीं कर रहा, मुझे उसका नाम गिना दो। प्रॉब्लम ये है कि सबके सब एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं आ रहा कि बस एक ही कर रहा है सबके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है।
और जिसने वो सारी चीजें करी हैं बाहर घर के, और अंदर अभी उसके चिट खुल रहे हैं, क्या वो बुलियंग नहीं थी? नजरिया है सबका अलग अलग। यहाँ पे अगर कोई बुलियंग है तो ओ मुनुल्ले अब बेचारे हो गए, क्योंकि उनके ऊपर ये हो रहा है। सच में होना चाहिए उनके ऊपर, नहीं तो गेम बोरिंग हो जाएगी। तो आप ये चुन लो भाई, आपको कुछ देखना है या नहीं देखना है। पहले वो कुछ कर नहीं रहे थे, फिर कंप्लेंट्स आई थी कि शो में कुछ हो ही नहीं रहा है, अब चीजें हो रही हैं, वो आपको नहीं लग रहा है। अच्छा, वंडरफुल जी, वंडरफुल। आप अपने ना खुद गिरेबान में झांकिए और फिर दूसरे के ऊपर बात करिए, क्योंकि यहाँ पे कोई दूध का धुला नहीं है। एंड यहाँ पे हमारे सब जो ऑडियंस है, मैं ना दूध का धुला हूं ना आप हैं, तो जरा आप उस वे में देखिएगा। हाँ, तो एनीवे लेट्स मूव ऑन। अगर ऐसे होता ना कि एक झुंड बन के एक के ऊपर बरस रहा होता ना, तब मैं बोलता हूँ कि बुलिंग है, ये बुरा है। पर जब ये सभी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, भाई कौन सी बुलिंग? इट्स टू फनी, बट आई हैव टू से, जो भी है, मनारा ने आज अग्नि का स्वरूप लेके सबको भस्म कर दिया, खास करके अनुराग और मनारा को। लग रहा था मुझे एक सेकंड के लिए कि अनुराग ने ना वहां उसकी आग उसके ऊपर डाल दी, पर ऐसा हुआ नहीं, बाद में तो वो ही पानी पानी हो गया। वेरी सैड। चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन। तो जब वहां पे जब अंकिता आती है ना बाहर, और वहां पे वो लेना तो चाहती थी मुनव्वर की साइड, पर वहां पे अनुराग ने जो बोला हुआ था ये घर जाएंगा वाला सीन, और वहां पे मनारा ने तुरंत उसको बता दिया, ऐसे ऐसे बोला गया, ऐसे ऐसे बोला गया, और अंकिता को ना चाहते हुए भी मनारा की तरफ खड़ा होना पड़ा। मुझे बहुत फनी लगा कि अंकिता ऐसी हो रही थी, नहीं, मैं चाहती हूँ उनके साथ, मैं वहां जाना चाहती हूँ, पर यहाँ पे जो मुझे बताया गया उसके महानता पे मुझे अभी मनारा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्वाइट फनी। तो मुझे ये पता करना है कि मनारा ने कब ब्रो सेना को जिक्र भी किया हो, जहां पे अनुराग मेरी ब्रो सेना के ऊपर, मेरी ब्रो सेना के ऊपर। अरे किसी ने ब्रो सेना का नाम नहीं लिया, तूने ही लिया है, और हर बार यही लेता है ब्रो सेना का नाम। ना मैंने कभी ब्रो सेना का नाम लिया, जब तक इन्होंने नहीं लिया है खुद ब खुद। आई डोंट थिंक ब्रो सेना का नाम कोई भी लेता है, बस अनुराग ही लेता है। और अनु अनु का जो ये राग है, ये प्लीज इसको बंद करें, हमें आपकी ब्रो सेना से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको है। और मनारा ने तो एक बार भी नहीं आपकी ब्रो सेना के ऊपर कुछ बोला। माय गॉड, उस दिन मतलब फॉलोअर्स का बोल दिया, और तुम्हारे फॉलोअर्स के ऊपर किसी ने कुछ नहीं बोला ना, वो फिर भी कूद गया था वहां पे। मतलब उसको चाहिए कि कोई बोले, पॉइंट ये है ताकि वो वहां पे इश्यू बना सके और उसकी ग्रैंड सपोर्ट हो। पर यार हमें हमें बात ही नहीं करनी उसके बारे में, तो हमें बख्श दो प्लीज। एनीवे आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। कुछ हुआ था और कुछ, हाँ, तो आई लव्ड ईशा का जो गाना गाया था उसने अंदर जाके, जहां पे अवरा ने स्टूल तोड़ दिया, पर वहां पे नाच नाच के ईशा के गाने पे कि क्या कैलकुलेशन है। और मतलब आई वाज लाइक वंडरफुल, डैमेज कंट्रोल, मुन्ना का डैमेज कंट्रोल जो आयशा के साथ हो रहा है, तो सबको पता है घर के अंदर कि आयशा कहीं नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मुनव्वर की गेम शून्य हो गई है। अब वो डैमेज कंट्रोल कर रहा है, क्या कि आयशा उसका भांडा ना अच्छी तरह से नेशनल टेलीविजन पे फोड़ दे। इसलिए विकी और समर्थ ने भी एंड ऑफ एपिसोड में बोला था, भाई हम तो चाहते ही नहीं कि आयशा कहीं पे जाए। वाह क्या बात है, क्या बात है, और क्या गेम है। आई हैव टू से इट इज फनी। तो ये मुनव्वर और आयशा का शायरी का सीन, क्या ये सही हो रहा है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस सर जी, अब तुम शायरियां गा रहे हो आयशा के लिए, वो जिसको आपने धोखा दिया था, अब जो आपके प्यार में पड़ी हुई है, जो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती, अब जो बाहर बैठी है उसका कोई ख्याल नहीं, शायरियां करो आप यहाँ पे, प्यार बांटो एक दूसरे से। मतलब गलत है ना, इंसाफी है भाई, ना इंसाफी, ना इंसाफी। एनीवे तो
व्हाट इज दिस? तो एक बोल में खा रहे थे खाना। अब आयशा पूछती है मुनव्वर को, क्या सच में बाहर ऐसे लग रहा होगा कि मैं करने कुछ और आई थी और कर कुछ और रही हूं? भाई, अगर आप करने कुछ आई थी और कर नहीं रही हो और कर रही कुछ और हो, तो वो ऐसा ही दिखेगा ना ईशा। मतलब इतनी इंटेलिजेंट हो आप, आपको इतना नहीं खबर? तो एनीवे, आई हैव टू से वन मोर पॉइंट। तो आज आई थिंक मुझे आप लोग मीन तो जरूर बोलेंगे, आई डोंट माइंड, रियली डोंट माइंड, बट मुझे क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो, अगर आयशा इतनी बीमार है, उसका बीपी का इतना इश्यू है, जहां पे वो 2 बार एक हफ्ते में बेहोश हो सकती है, वो खुद अपने आप के लिए और दूसरों के लिए एक डेंजर बन सकती है, वो डेंजरस सिचुएशन है। अगर उसका सर फूट जाता, अगर वो जब ऐसे कोई गिरता है तो अपने बदन के ऊपर बहुत चोटें आती हैं, इट्स वेरी बैड एक्चुअली। और वो अगर किसी और के ऊपर गिर जाती और वो फिर स्लिप होके अपना पैर वैर तोड़ लेते, कुछ भी हो जाता, तो कौन जिम्मेवार है? तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि सिर्फ आयशा को डेंजर नहीं है, दूसरे लोगों को भी साथ में है। अगर आयशा टेबल के, जो कांच के टेबल टूटे हैं हमारे सामने, अगर आयशा टेबल पे गिर जाती तो उसको तो इतनी चोट पहुंचती, राइट? तो आई एम सॉरी टू से दैट, अगर पहले बिग बॉस को पता नहीं होगा इसके बारे में, अगर आयशा ने बिग बॉस वालों को ये चीज बताई नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि अगर सच में ये ब्लड प्रेशर का इश्यू जितना बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें दिख रहा है, अगर वो बोला जाता, आई एम श्योर बिग बॉस उसको गेस्ट की तरह लेके आते, वीकेंड के बाद पर घर पे भेज देते, क्योंकि ये लाइबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता, खास करके शो वाले। तो आई थिंक इनको वोट, देखो मुनव्वर की जनता, अगर आप चाहते हैं कि मुनव्वर सच में ये शो जीते, तो आपको आयशा को वोट आउट करना चाहिए। ये आपके हित में बोल रहा हूं भाई मैं, आप समझ लो। और अगर हम नहीं चाहते कि मुनव्वर आगे जाए शो में, तो आप आयशा को छोड़ दो वहां पे। पर ये देखना बाकी है, अगर उतने वोट्स भी आ गए, ऐसा खेला खेला और आयशा को नहीं निकाला, फिर क्या करोगे? और है रिंकू अभी लास्ट फेज, मतलब अभी जो नॉमिनेशंस हुए हैं तो उसके ऊपर आएंगे डेफिनेटली। तो एनीवे, मुझे तो बहुत फनी लगा। तो आज ये जो अगेन बिग बॉस वालों को पता है कि ईशा कौन सा गेम अब खेल रही, वो तो साफ तरह से सबको समझ में आ गया था जब उन्होंने ऐश्वर्या को निकाला था और बिग बॉस के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाके उसने अपनी मनमर्जी करी थी। तो अब बिग बॉस को पता चल गया है कि ये अपनी पर्सनल गेम खेलेंगी और हमारे लिए बहुत अच्छा कंटेंट है। आई थिंक जिस तरह से ईशा ने अब खेला है गेम, सबको बाहर लग रहा है कि फाइनली कोई तो गेम खेल रहा है, कुछ तो कर रहा है सामने से वार, और इसलिए हम एंटरटेन भी हो रहे हैं। तो जो भी ईशा अभी कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, तो भाई लोगों को तो वो अच्छा लग रहा है। चलो, वो घर वालों को तो बुरा लगेगा, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हाउ कैन दिस हैपन, ये तो फेयर नहीं है, ये तू गंदी है, तू गंदी है, अभिषेक बोलता है। अच्छा, तो अपने अपने शक्ल को तो देख ले, जब तू ऐसा बोल रहा होता है, क्या तू गंदा नहीं लग रहा? आई एम जस्ट आस्किंग। बट पॉइंट मेरा ये है कि ऑब्वियस बात थी कि उन्होंने जब ये रैंक का किया, उन्होंने काम जहां पे समर्थ समर्थ को रखा नंबर 1 पे, पर नंबर 2 पे मनारा को रखा, ये तो सब ही शॉक्ड थे। आई थिंक हम बाहर भी शॉक्ड हैं, अंदर भी शॉक्ड हैं, क्योंकि पॉइंट तो यही है ना। तो पॉइंट तो ये है कि मनारा की दोस्ती कैसे ऐसी होगी? क्या वीकेंड के वार पे जोसुन उनको इतना हाईलाइट किया, ईशा को समझ आ गया कि अब मुझे मनारा के साथ ही कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो तो हाईलाइट हो रही है। तो इट्स अ गुड गेम प्लान जी, जो पहले से ही वो बायस्ड है, पहले से अपनी गेम पर्सनल खेल रही, तो अभी आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? उसके बाद उन्होंने विकी को रखा, फिर अंकिता को, पर अंकिता को भी प्रॉब्लम है, मुझे चौथी पोजिशन पे क्यों रखा, मुझे मनारा की जगह पे रखना था, क्योंकि हम तो इतने क्लोज हैं। पर
उसने तो कितनी बार आपकी पीठ में शराबों का है, तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं ईशा से कुछ भी? अंकिता मैडम जी, आप तो शुक्र मनाओ कि आपको चौथे पोजीशन पे उसने रखा, नहीं तो क्या पता वो कहाँ पे रख देती आपको। एनीवे, फिर उसके बाद कौन था, मुनव्वर, वाह 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 वाह, अभिषेक, उसका ट्रायंगल और जो भी है वंडरफुल, और फिर अरुण को लिया। अरुण इतना खुश हो गया कि सातवें नंबर पे मेरा नाम ले, वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे लास्ट में कोई लेगा, तो फाइनली उसको कुछ तो मिला ना, लास्ट पोजीशन से सातवें पोजीशन में पहुंच गया। वेल डन अरुण जी, वेल डन। रिंकू, ओ माय गॉड, जो शो का रिक्वायरमेंट है वो नहीं है ये, वाह। अनुराग को नौवें पोजीशन पे रखा, और उसको पिछले हफ्ते बचाया, पिछले 2 दिन पहले बचाया, यहाँ पे 9वें पोजीशन में रख लिया। फिर उसने वो भी वहां पर भी घुसा बस दिया लोगों के में, मैंने इसलिए किया क्योंकि बिजी बिजी जी, कोई मैटर नहीं करता कि उसे शब्द क्या है, क्योंकि इट डजंट मैटर क्या कहती है, क्यों वो कर रही है अपनी मनमर्जी, और किसी को समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई मीन, आयशा को लास्ट में रखा, वंडरफुल जी, वंडरफुल। नील कहता है आई डोंट अग्री, बट नो वन केयर्स नील, नोबडी केयर्स वेदर यू अग्री और नॉट, दैट्स अ फैक्ट। अभी कहता वो पर्सनल करेगी, पर्सनल करेगी, वेरी गुड, समझ में आ गया। तो 0 कमार, बेचारा 0 कमार बोल रहा है समर्थ, उसको उसको तो उसने दो से समर्थ दो रहा है लोगों को यार, वो अच्छी तरह से दो रहा है आजकल, मुझे तो फनी लग रहा है। पर हाँ, वो डेफिनेटली जब मतलब बदतमीजी बात है वो अच्छा नहीं होता, पर फिर भी ही इज स्टिल डूइंग समथिंग। तो एनीवे, ईशा कैप्टन हमेशा अनफेयर रही है, उसने अब क्या से आप एक्सपेक्टेशन रखें कि वो फेल हो जाए। अभिषेक को तो मतलब टास्क में तो पागल ही हो जाना होता है, उसको तो मतलब बिग बॉस वो करना होता है, इट्स जस्ट एब्सोल्युटली स्टूपिडिटी इफ यू आस्क मी। बट पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि अगर उसने बहुत अच्छी तरह से चीटिंग करी है, और आई रिमेम्बर कि जब चीटिंग करके पिछले टास्क में जब लोग जीते हैं, ए टीम बी टीम ए, याद है ना, संतरे तो उन्होंने, संतरे बोल रहा हूं, एप्पल तो उन्होंने बक्सों में काफी हद तक चीटिंग करके ही जीता था ना, उस समय ऑडियंस में सब तो बोल रहे थे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिग बॉस में जब टास्क होते हैं फिर चीटिंग तो चलता ही है ना, और मैं ही वो था जिन्होंने बोला था कि चीटिंग करना मना है, अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। तो अभी लोग क्यों कंप्लेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फेवरेट के पक्ष में नहीं गया ना इस बार। अच्छा, तो ये पॉइंट है कि जब आपके फेवरेट जीतेगा फिर ऐसे होता है कि वो ठीक है, पर जब आपका फेवरेट नहीं जीत रहा होता और चीटिंग उनके अगेंस्ट होती है, फिर चीटिंग चीटिंग हो गई, फिर वो गलत हो गई। तो प्लीज आप अपना वो कर लें, आप प्लीज वो अपना ठीक कर लें, समझ लो कि चीटिंग तो होगी ना भैया। तो वहां पे अभिषेक आता है, गिर जाता है, समर्थ पीछे से आके वहां पे वो पकड़ लेता है। मैंने तो समर्थ को देखा, मैंने तो समर्थ को देखा, मैं इतना हंसा हो ना, मैं इतना हंसा हो कि वहां पे तो फिर मुनव्वर को सारे A to Z सारे संस्कार याद आ गए, मॉरल्स नहीं है मॉरल्स। अरे भैया मुनव्वर जी, आप मॉरल्स की बात कर रहे हो, आप मॉरल हाई ग्राउंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ा जोक तो यही है। बंदा जिसने बोला कि बंदा जो प्रूव हुआ है कि वो डबल टाइमर है, मॉरल हाई ग्राउंड लेगा, तालियां तालियां। अभी तो इतना संस्कारी बन गया, तो मतलब अलग लेवल का संस्कारी कैसे बन गया भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है शो में, मतलब हाँ चीटर है, चीटर है। अच्छा, जब चीटिंग करके आप जीते थे मना, पर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था? ओ आए। जो आप करेंगे वही आप भरेंगे, तो मैंने बोला था ना उस समय, कर्मा इज अ फिल इन द गैप। ओके, सो मुझे एक चीज पूछनी है कि ये जो जब इसका नाम ईशा चुनती है, अभिषेक का नाम जो पिलर लेके खड़ा रहता है वहां पे, उसको ऐसे सुइयां लगी ना, सुइयां पूरे बदन में, हाय मेरा नाम कैसे ले लिया ईशा ने,
अरे तू ही तु, तुझने तो मतलब रद्द करवाया है क्योंकि तू बाहर जा ही नहीं रहा था। तो बेसिकली इतना मुझे हिलेरियस लगा ना कि तूने ही तो अभी कांड करा है जो अभी रद्द हुआ है, तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तो तू नॉमिनेट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? होना तो चाहिए, होना चाहिए। तो उसके उसने उसको डायरेक्ट नॉमिनेट कर दिया और साथ में आयशा को। वेल डन ईशा, आज डेफिनेटली तालियां तो बजती हैं, बजनी चाहिए, क्योंकि ईशा ने कितने सारे गेम्स खेली, उसी ने ही सारे वो चीजें करी हैं जो एक कैप्टन का जो एक कैप्टन का जो जो सुविधाएं होती हैं उन्होंने फुल्ली 100 100 पावर में यूज किया है, किसी और ने नहीं किया। जो कैप्टन पहले बन चुके हैं उन्होंने तो महानता की मूरत बनना था, उन्होंने तो दिखाना था कि हम कितने अच्छे हैं। तो आप अभी क्यों, आप अभी क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? अगर आपका जो पावर आपने लिया था और यूज नहीं किया था, अभी किसी ने किया तो आपको प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि आपके अगेंस्ट है, क्योंकि अगर आपके साथ होते तो फिर आप लड्डू बांटते। वाह 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 वाह, क्या हिपोक्रेसी की भी। एग्जैक्टली। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो बेसिकली हाँ, जब अभिषेक फिर से भर जाता है क्रोध से, जैसे कि पता नहीं क्या बम बन जाता है, कितने कितने गंजे है वो, ये प्रॉब्लमैटिक है भाई, प्रॉब्लमैटिक है। ओ वन सेकेंड, आई डू इट फॉर यू। So, sorry, I'm having my own fun. So, I just want to say one more thing, and that is कि ये मनारा अभिषेक क्या बोल रही थी? वो वहां पे क्यों थी जहां पे वो तड़प रहा था? मुझे तो समझ भी नहीं आया कि वो कह रही हाँ मेरे साथ भी हुआ है मेरे साथ। अरे तू अपना रहने दे मनारा, अभिषेक को करने तो जो कर रहा है। फिर वहां पे मनवर ने बाद में बोला अभिषेक को कि इससे इससे तुम बात मत करो, इससे मत, तो तुम्हारी मैनिपुलेशन वहां भी शुरू होगी कि कौन किसके साथ कब बात कर सकता है। पर अभिषेक भी बहुत टेढ़ी पूछ है, वो तुम्हारी तो सुनने वाला ही नहीं है ना। तुम मनोबर तुम भूल जाओ कि वो तुम्हारा सगा है, क्योंकि वो किसी का सगा नहीं है, वो गेम ही खेल रहा है। उसको लग रहा है तुम्हारा अच्छा सा मैं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे लिए अच्छा किया था, पर जब गेम आएगा और अगर तुम्हें उसको बाहर मार फेंकना होगा तो वो करेगा। सो देन बट एनीवे, आयशा कहती है कि मैं बुरी लग रही हूँ। वो कह रहा है तुम्हारी गेम इंपॉर्टेंट है मुनव्वर, अगर वो अपनी गेम पे आ गई मुनव्वर ना, तुम्हारी गेम खत्म। तो तुम अपने लफ्ज थोड़ा चुन चुन के बोलना। चलो लेट्स ब्रिंग इन निशा एंड अरु। वी गॉट टीम मुनव्वर एंड टीम मनारा। दिस इज गोना बी अ फन फन फाइट। ओके गाइस, वेलकम निशा, वेलकम अरु। लेट्स स्टार्ट। बिफोर दैट लेट्स गेट सम सुपर चैट्स इन। नंदिता, मनारा रूड लगी ये कुछ भी, बट शी स्पिट्स बैक। एब्सोल्युटली एग्री विद यू, मैं तो आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। वो रूड है पर जो वो बोल रही है बिल्कुल सच है, और करारी बात को हमेशा खराब ही लगती है। मुक्ता कुमारी, थैंक यू फॉर बीइंग अ मेंबर। 2 days earlier मनारा वाज टेलिंग मेरा ये क्लास नहीं है। 100% agree with you, यही तो प्रॉब्लम है ना यहाँ। नहीं पर उसने आज या कल बोला था, कल रात को बोला था, मैं तो हुई देसी, मैं तो हुई देसी, मैं तो क्लासलेस ही हूँ। तो अगर उसने बोला मैं ये मेरी क्लास नहीं है, तो आज तो बोलो मेरी क्लास है, तो हम क्या बिलीव करें? We have to choose, but let's look at the last statement. She's saying she doesn't have that class. So we'll accept. Nandita again, thank you for the super chat. Mandy, don't worry, आयशा देख के बेहोश होती है। देव बसंती में क्या था? नहीं लिसन, दिस बेहोशी थिंग इज क्वाइट सीरियस, लेट्स नॉट मेक इट अ जोक, बिकॉज अगर वो कुछ उसका हाथ पैर खराब हो गया, इट विल नॉट बी गुड। सो लेट्स नॉट लाफ अबाउट हर बेहोशी। रश्मि पांडे, थैंक यू फॉर सुपर चैट। नकली चोपड़ा वाज क्लियरली स्लट शेमिंग आयशा टूडे, बट ऑल्सो इन दैट केस रश्मि जी, बट स्लट शेम तो फिर आयशा ने भी तो मनारा को किया था ना, कि तुम तो किसी के साथ भी बेड के ऊपर शेयर कर सकती हो, सो सकती हो, तो दैट जस्ट मेक्स इट 0-0 देन।
इट्स इक्वल नाउ। हाँ निशा जी बताइए, आपका आज क्या है कहना? हाय एंडी, हेलो एवरीवन। हेलो। तो एंडी, ये 1-1 नहीं हुआ है, ज्यादा हो गया है मनारा का, क्योंकि ऑफ वन वन कोर्स आपको तो लगेगा ना। नहीं एंडी, 1-1 कल रात को कर दिया था उसने, कल भी तो किया था अरे ना। हाँ कल भी किया था, लेकिन आज फिर दोबारा बोली है, तो अब ज्यादा हो गया ना एंडी, नहीं हुआ। इक्वल कहाँ रहा अब। चलिए मैं सबसे पहले शुरू करूंगी बुली गैंग से, समर्थ, ईशा, मनारा और विक्की, पीछे से, मतलब सामने से नहीं, फ्रंट फुट पे नहीं, पीछे से। तो औरा के शोल्डर पे रख के गन चलाई जा रही थी, ये किस वाली चीज को लेकर और चिपकने वाली चीज को लेकर। एंडी मुझे शायद मनारा को याद दिलाना है, वो भूल रही हैं कि अभी कुछ दिन पहले वो वॉशरूम में जबरदस्ती मुनव्वर के साथ घुसने की कोशिश कर रही थी, उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, और अपनी बात सुनाने के लिए और मनवाने के लिए बहुत ज्यादा टची भी हो रही थी। वो बात अलग है कि मुनव्वर ने इस चीज को हाईलाइट नहीं किया, कोई लड़की होती मुनव्वर की जगह वो जरूर हाईलाइट करती और इस चीज का मुद्दा भी बनता और वीकेंड का वार पे भी उठती ये बात, लेकिन अभी नहीं उठेगी क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो इस चीज को उठाने ही नहीं चाहती, वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहती है मनारा को। तो मेरा ये लाइन उठाने का मतलब ये नहीं है कि मैं मनारा को किसी तरह से शेम कर रही हूँ या कुछ भी, मुझे तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप दूसरी लड़की को इस तरह से बोल रहे हो तो आपको अपने किए भी कर्म याद होने चाहिए कि आप खुद भी इसी तरह के हो, आप भी करते हो हरकतें, बस प्रॉब्लम ये है अपनी सब भूल जाते हैं, हमें सिर्फ दूसरे की दिखाई देती है। औरा वाली जो चीज है एंडी, मैं मानती हूँ अगर कोई अनकंफर्टेबल है तो ये चीज उठाई जानी चाहिए, लेकिन औरा उठा चुका है मुनावर के आगे और उसने, मुनावर ने उसको बोल दिया है ईशा को। अब इस चीज का मुद्दा बना के 3-4 लोग गैंग बना के बैठ गए हैं और फिर वो उस चीज को यूज कर रहे हैं अपने फायदे में, उन्हें औरा की कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उनको एक टॉपिक मिल गया है अपना, अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए, वही हो रहा था। और इस चीज से ये होता है कि क्योंकि लोग सिर्फ आज का एपिसोड नहीं देख रहे हैं, पीछे के एपिसोड देखते आते हैं वो सारे, तो उनको समझ में आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। आप भी ये हरकत कर चुकी हो बट स्टिल आपको अपनी नहीं, सिर्फ सामने वाले की दिखाई दे रही है। क्लास की बात हो रही है, अगर स्टेटस की बात हो रही है तो वो आप भी बहुत बातें उठाती हो, लेकिन आपने आज अनुराग की ही बात पकड़नी है, तो थोड़ा इक्वल रखिए, थोड़ा बैलेंस बना के चलिए। आप भी मानिए कि आप भी ये हरकतें करती हैं, आपने जो वो बहन वाली बात कही थी एंडी, मैं उस पे एग्री करती हूँ कि अनुराग को भी सोच समझ के करना चाहिए क्योंकि वो खुद बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उसको भी ये फैमिली की और बहन वाली बातें नहीं उठानी चाहिए। एक पॉइंट पर मैं एग्री करती हूँ, बाकी इन दोनों की जो बहस चल रही थी ना, अनुराग की और मनारा की, मुझे बहुत मजा आ रहा था क्योंकि मनारा को कोई पलट के कंटिन्यूसली दे सकता है तो शायद वो या तो अभिषेक है या आज अनुराग देखा, वो कंटिन्यूसली उसके साथ वो भी मुंह बना के जो एकदम से रेल चलाती है ना शब्दों की, बिल्कुल वैसी अनुराग भी चला रहा था, तो थोड़ी टक्कर लग रही थी, अच्छा समझ में आ रहा था। कल रात को क्या था, बहुत एक ही गैंग था, वही बोले जा रहा था, या तो अरुण बोल रहा था या ईशा बोल रही या समर्थ बोल रहा था, लेकिन वहां से बहुत एकदम से ही आता था, मतलब जैसे एकदम कोई चढ़ के आया फिर शांति हो गई, फिर एकदम से कोई चढ़ के आया फिर शांति हो गई, लेकिन यहाँ से लगातार चलता रहता है। तो आज अनुराग जब लगातार चल रहा था तो अच्छा लग रहा था देखने में कि हाँ कोई है अब थोड़ा सा भिड़ने वाला, वो बात अलग है, बीच में एक दो बार वो भी चुप हो गया था क्योंकि मनारा ने बड़े अच्छे पॉइंट्स मारे थे, तो लेकिन वो मजेदार थी जो जो भी लड़ाई थी। इसके बाद मुझे एंडी बात करनी है समर्थ और अरुण की, जो जबरदस्ती की फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं मनारा की वजह से। अरुण तो दिख ही नहीं रहा था बेचारा, लेकिन अब उसने जो है फुटेज ग्रैब कर ली है, उसको समझ में आ गया है कि अगर मैं मनारा के पीछे पीछे चलता रहूंगा तो एटलीस्ट दिन में एक बार तो दिखूंगा, एपिसोड में तो दिखाई दूंगा कुछ ना कुछ करके। आज जो एक वो वाली बात हुई थी एंडी, कौन सी वाली बात उठाई थी उसने, क्लास और स्टेटस की, वो यस वो स्टैन एंडी, एक्चुअली मुझे स्टैन याद नहीं रहता है ना, वो मेरे को कभी, वो मुझे बिग बॉस की बात कहीं दिखाई नहीं ना समझ आता है ना, मैंने कभी जिंदगी में उसे सर्च किया, वो जब बिग बॉस में था भी तब भी मैंने उसे कभी सर्च नहीं किया, इसलिए मुझे उसकी बातें कहे हुए डायलॉग कुछ याद नहीं रहते,
वो स्टेन की ही कॉपी जो उसने की थी अनुराग ने, तो वो हाँ वाली लाइन जब मनारा को समझ में भी नहीं आई, आप ये देखिए आग लगाने का प्रॉपर काम चल रहा है, मनारा क्या है, चीजें तब पकड़ती है जब उसको जबरदस्ती ये रियलाइज करवाया जाता है कि तुम्हारी बहुत बड़ी इंसल्ट हुई, अपमान हुआ है, तुम्हें टारगेट किया गया, तुम्हारे कैरेक्टर पे लांछन लगा है। जबकि मनारा एक ऐसी लड़की है इस घर में एंडी, जो खानजादी हो या कोई भी हो, सबके कैरेक्टर पे आई है, सबके खुलेआम कैरेक्टर लेस बोला है उसने। कुछ लोग तो होते हैं कि मतलब इशारों में बोलते हैं या बात अपनी दबा के बोल देते हैं, जैसे कि मनारा के लिए आज शायद यूज हुआ, तभी तो इतना सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा अरुण को या फिर समर्थ को, लेकिन वो डायरेक्ट बोलती है भाई आप हो कैरेक्टरलेस, ये मनारा चोपड़ा है। तो फिर कहाँ से कोई उसके लिए सिंपैथी, मैं तो नहीं रख सकती सिंपैथी, आप तो खुद कैरेक्टरलेस बोल चुकी हो, और आज झूठ भी बोली, अनुराग ने बोला कि तुमने खानसादी को कैरेक्टरलेस बोला तो झूठ पलट गई, मैंने कैरेक्टरलेस नहीं बोला था, मैंने बोला था कैरेक्टर पर आती है बात, बिल्कुल महा झूठी, कैरेक्टरलेस बोला था, उसकी वजह से 2 दिन पूरे वीकेंड का बार खानजादी को सुननी पड़ी सलमान की, कि आप क्योंकि खानजादी के लिए स्टैंड नहीं ले रहे थे सलमान खान, कुछ बोला नहीं उनके लिए, तो इसी और कितना सफाई से झूठ बोल गई कि मैंने नहीं, मैं कैरेक्टरलेस तो मैंने बोला ही नहीं। तो वही है ना, अपनी बात तो याद ही नहीं रहती, लेकिन किसी और ने कुछ भी कहा है तो उसका जवाब चाहिए कि मेरे को बताओ, कैरेक्टरलेस भी बोल दिया, ये भी करके गई, ये भी बोला कि बताओ ये भी कहा है मुझसे, ये भी कहा है, कितनी बेचारियों ने आप मना रहा, आप तो कुछ नहीं कहती कभी किसी लड़की। उसके बाद पर्सनल इक्वेशन के बेसिस पर जो है ईशा जो है फैसले लेती है, ऐसा उन्होंने कहा था जब उन्हें ऐश्वर्या के टाइम डिसीजन लेना पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ इसने सेल्फिश होकर लिया, लेकिन आज वो थोड़ी सेल्फिश हुई शुरू में, समर्थ के केस में थोड़ी सी सेल्फिश हुई, फिर उसके बाद वो गेम के पर्सपेक्टिव से सोचने लग गई एकदम से, कि नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन मनारा का ज्यादा है इसमें, मुझे ये लगती है, पूरा भरतनाट्यम करते हुए और पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया ईशा ने कि ये है ये है ये है, और उसके बाद विक्की और उसके बाद अंकिता, अंकिता ने जितने भी क्वेश्चन किए आई एम हैप्पी उसने किए, उसको करने चाहिए थे, क्योंकि ईशा भी एक्सपेक्ट करती है अंकिता से, तो जाहिर सी बात है अंकिता को भी करना चाहिए, लेकिन मुझे यह प्रॉब्लम है विक्की से, विक्की अंकिता के सामने कुछ और ईशा के सामने कुछ और, अंकिता जब बैठ के बात कर रही है कि मैंने तो उसको ये बोला, तो तूने पूछा उससे, विक्की सेड कि तूने पूछा फिर उससे कि तुझे क्यों रखा पोस्ट, हाँ मैंने तो ये बोला वो, और कट्टू दूसरे सीन में वो पूछती है ईशा कि मैंने सही सही एक्सप्लेन किया ना मैंने सत्य, अरे फैबुलस फैबुलस, ये विक्की का जो डबल गेम अपनी पार्टनर के साथ खेल रहा है, आप ये देखिए गेम में कोई इंसान इतना ज्यादा घुस चुका है, उसको नहीं दिख रही मेरी बीवी है कि कौन है, कम से कम इसके साथ तो सही रहूं मैं, वरना ये बाहर जाके एपिसोड देखेगी तो क्या ही सोचेगी कैसा इंसान है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, वो गेम में इतना घुस गया है ना कि जो अभी मेरा फायदेमंद, इसने मुझे थर्ड दिया है, मुझे क्या मतलब किसी को फोर्थ दिया है कि फिफ्थ दिया है, इसने मुझे थर्ड रखा है तो इसे खुश रखना चाहिए, तो वहां मुझे थोड़ी सी विक्की की जो गेम है वो बहुत खतरनाक लग रही है, कम से कम अपने पार्टनर के साथ सही रहो गेम में, जैसे नील और ऐश्वर्य है, भले कितना भी झगड़ा हो गेम में तो एटलीस्ट आप एक दूसरे के लिए स्टैंड ले रहे, और अगर इतने इंडिविजुअल हो तो फिर इतना ज्यादा हस्बैंड वाइफ भी मत करो, फिर तो पूरी तरह से इंडिविजुअल रहो, झूठ भी बोल रहे हो और फिर बाद में ये भी दिखा रहे हो कि नहीं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो ईशा ने जो कहा हाँ बिल्कुल सही कहा है, तो फिर ये अंकिता के मुंह पे कहने की हिम्मत रखो ना कि हाँ नहीं बहुत अच्छा ईशा ने किया है गेम, तो वहां पर मुझे थोड़ा सा जो विक्की है वो सेल्फिश लगता है, और शायद इसीलिए मुझे कभी कभी वो पसंद आते 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 रुक जाता है, फिर नहीं पसंद, दैट्स ऑल फ्रॉम माय। थैंक यू वेरी मच, सुपर अप्रिशिएट। अच्छा गाइस, आई हैव गॉट अ सरप्राइज फॉर द ऑडियंस, जो जो हमारे मेंबर्स हैं, जो नए भी बने हैं, जो भी पहले के भी हैं, थैंक यू फॉर बीइंग मेंबर्स। एंड मेंबर्स के लिए आज वी हैव गॉट अ कॉल आउट, अगर आपको यहाँ पे आपके अपना रिव्यू देना चाहते हो तो मैंने लिंक शेयर किया है नमस्ता योगा एंड अप वाले सारे उन मेंबर्स के लिए, अब आपका भी चांस है, अगर आप यहाँ आके हमारे साथ रिव्यू में जुड़ना चाहते हैं तो आपको जाना है हमारी कम्युनिटी बोर्ड के ऊपर, जो कम्युनिटी बोर्ड है हमारे मेंबर्स के लिए, वहां पे अब लिंक शेयर कर चुका हूँ, सो इफ यू वांट टू कम एंड गिव योर रिव्यू
go there now, get the link and join us. Now we've got Neha Chaudhary in the background, but हमारा सिर्फ एक असूल है, आपको कैमरा ऑन करना होगा. कैमरा ऑन के बगैर आप नहीं आ सकते. So Neha, if you put your camera on, I will let you join. And anyone else wants to join, put your camera on and join. Okay, let's continue with Aru. नमस्कार दर्शकों, आज का एपिसोड के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तो अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही एंडी। मतलब आज का एपिसोड इतना ज्यादा अच्छा था, सब आज टॉप फॉर्म में थे। सुबह से, मतलब सुबह से जो सब लोग चालू हुए हैं एक के बाद एक। मुनावर ने स्टार्ट किया, फिर विकी जी आ गए, अभिषेक आ गया, मनारा ने तो आग ही लगा दी, आग ही लगा दी, आग ही लगा दी। और अनुराग भी बिल्कुल फॉर्म में थे। मतलब आज तो सब लोगों ने एक से बढ़कर एक सब लोग दिखे मुझे। आयशा बेचारी थोड़ी आज बीमार सी लग रही थी। एंडी वो बहुत बुरी तरीके से गिरी, वो एकदम ऐसे धड़ाम से लग, मतलब उसको बहुत चोट लग सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों का थोड़ा मतलब उसका थोड़ा होना चाहिए कि क्या इशू है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना फ्रीक्वेंटली क्यों हो रहा है। मैं शुरू से शुरू करूंगी। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि मुनव्वर अगर विकी से भरी महफिल में कुछ पूछेगा तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि विकी बोलेगा हाँ मैं तेरी बुराई कर रहा था। मतलब वो कोई तरीका ही नहीं था उस कॉन्वर्सेशन को करने का, जो बाद में मुनव्वर ने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ मुझे अलग से जाके आपको पूछना चाहिए था। तो वो मुझे लगा एकदम वेस्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। बस उसका फायदा ये हुआ कि अभिषेक और विकी ने लड़ाई कर ली और अपनी थोड़ी जो फुटेज थी वो निकाल ली। उसके अंदर मुनव्वर का तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। मुझे नहीं लगा उसको कुछ क्लैरिटी भी मिली होगी उस चीज से। एंडी मेरे को ये मनारा जो आई एकदम, तो मैं उससे मतलब निशा से थोड़ा सा डिसअग्री कर रही हूँ कि आप मतलब वो औरा वाली बात को वो यूज कर रही है। मनारा को नहीं पता कि औरा ने जाके ये मुनव्वर से शेयर करी हुई है और ये बात वहां पे हो चुकी है। औरा ने आके मनारा से वो बात अलग से रात को 2 बजे शेयर करी है, तो उसके हिसाब से उसके साथ ही ये इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है। तो जो वो बाकी लोगों को बता रही थी कि इस तरह से चीजें चल रही हैं, तो मेरे को वो कहीं पे भी वो बुरी नहीं लगी, या मेरे को उसके अंदर कहीं गंदी नहीं लगी। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि मतलब मनारा तो आज क्या ही खा के उठी है, मुझे समझ नहीं आया। एकदम उसके अंदर हाई एनर्जी, बैंग ऑन उसके जितने भी वर्ड्स थे सटीक जा जाके लग रहे थे। अनुराग भी आज एकदम मस्त से मनारा को दे रहा था, मनारा भी उसको गिव बैक कर रही थी। बस अनुराग वहां पे थोड़ा गलत गया, वो जो 2 लड़कों को के पीछे पड़ी थी पड़ी है और मैं एक और लड़का ला दूं, वो वहां पे थोड़ा गलत चला गया। बट बाकी वो जो फाइट थी मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगी, वो वाली फाइट। ये हाँ, वो आपने सही कहा एंडी कि अगर वो अपनी बहन का नहीं नाम सुन सकता तो फिर मनारा की बहनों को भी क्यों ही लेकर आना है ना, कि आप जरा सा उसने भव्या नाम ही ले दिया तो ही वो एकदम से उत्तेजित हो गया। तो भाई फिर आपने उसकी बहन का नाम आप क्यों ले रहे हो अगर आप वो सुन नहीं सकते तो। बट मेरे को वो पूरी फाइट बहुत सही लगी इसके अंदर। उसके बाद फिर मैं कमिंग टू ईशा। ईशा अगेन आज फायर, बिल्कुल ही फायर। उसने मतलब जैसे उसको जो करना है अपने हिसाब से उसने वो रैंकिंग दी। अब वो चाहे जो भी रीजन हो, वो चाहे गेम पर्सपेक्टिव हो, पर्सनल पर्सपेक्टिव हो, वट एवर इट इज, उसने एकदम जो उसने जो एक्सप्लेनेशंस दी एक एक रैंकिंग की वो मुझे बहुत ही सही लगी। एंडी मेरे को समझ नहीं आया कि नील की रैंकिंग क्यों नहीं थी, मैंने कुछ मिस कर दिया? क्योंकि मेरे को नील नहीं दिखा कहीं पे भी वो रैंकिंग के अंदर, तो वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा मैं भी शायद उसको नॉमिनेट नहीं कर सकते होंगे इसलिए वो नहीं दिया। मैं कहा मेरे को देखना था कि नील को वो कहाँ पे रैंक करती, शायद लास्ट ही रखती। उसके बाद फिर जहां पे वो आया क्या कहते हैं नॉमिनेशन का जो पार्ट आया, वहां पे मेरे को ये अभिषेक बहुत ही कभी कभी ना दिमाग से वो मुझे लगता है कि इसका मतलब बैल बुद्धि है वो, तो पिलर पकड़ के खड़ा हो जाएगा, किसी को अंदर जाने नहीं देगा, गेम आगे बढ़ने नहीं देगा। तो तू मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये फिर रद्द ही होगा ना? तो मतलब इट वाज जस्ट कि बिल्कुल ही मतलब वो सही था ही नहीं वो किसी भी एंगल से, कि आप अड़ जाओ और गेम को खत्म कर दो। बेचारी रिंकू जी पाई गई उस पूरे चीज के अंदर, उनको नॉमिनेट कर दिया गया। तो रिंकू जी बोलती भैया मेरी बदौलत 8 घंटे आए हैं, तो मैं तो चाय बनाऊंगी 1-1 घंटे। तो वो मुझे सही लगी उसके अंदर भी रिंकू जी, मैं हां जी बनाई आपके आपके उसपे 8 घंटे मिले हैं इन्हें, तो आप ही चाय बनाइए उसकी। तो ईशा उसने भी बहुत मस्ती की, आप बनाइए, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें आपको बोलूंगी आप बनाते रहिए, चाहिए मुझे चाय, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो वाला पार्ट भी मस्त था। एंड मेरे को ये चीज बोलनी थी कि ये लास्ट में जो आयशा पूछ रही थी ना मुनव्वर को कि ये मैं क्या ठीक कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ जो भी वॉट एवर बात कर रही हूँ वॉट एवर जो भी उसने बोला, भाई तुम मुनव्वर से क्या पूछ रही है, मुनव्वर तेरे को ये बोलेगा कि नहीं नहीं जिस काम से तू आई थी तू वही काम करने लग जा। इतनी मतलब पागल लड़की है, किसी और न्यूट्रल वाला अंकिता वंकिता से जाके पूछती तो वो लोग शायद उसको सही जवाब भी देते। ऑब्वियसली बात है कि मुनव्वर से आप पूछेंगे तो मुनव्वर ये तो आपको बिल्कुल ही नहीं कहता कि आप कहेगा कि आप जिस एजेंडे से आई थी आप उस एजेंडे पे चले जाए। और मुनव्वर का एक्सप्लेनेशन भी क्या था, उसने बात ही घुमा दी, जो क्वेश्चन था उसका आंसर नहीं दिया, उसने कुछ और ही बोलने लग गया भलता। मेरे को तो बहुत ही मस्त लगा आज का एपिसोड, सुपर एंटरटेनिंग, एंड आई एम होपिंग कि आगे जाके भी हम लोग ऐसे ही एपिसोड्स देखते रहे और कॉम्पनसेट करें जो अभी तक हम लोग बोर हुए हैं इस सीजन के अंदर, वो थोड़ा कॉम्पनसेट हो, आई रियली होप ऐसा ही चलता रहे। या आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, जहां पे मुझे समझ में आया है कि एक्चुअली ये बिल्कुल सही है कि अगर ये पहले जो हो रहा था ये अब हो रहा है, बट आई थिंक इज इट टू लेट टू कॉल दीज पीपल अ शो नाउ, आई एम नॉट श्योर। लेट्स वेलकम उर्वी। उर्वी कम फ्रॉम आवर मेंबर्स एंड शी वांट्स टू आल्सो शेयर हर ओपिनियन टुडे, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद निशा। निशा आपका पॉइंट बताइए, देन वी गो टू उर्वीज रिव्यू। Yeah, thank you, Andy. It is if you, she doesn't come back. But guys, again, if you're a member of Namaste Yoga and Above, आपके लिए मैंने लिंक शेयर कर रखा है, जैसे कि उर्वी भी आई थी, she is back again. And अगर आप चाहते हैं कि अपना रिव्यू देना चाहते हैं तो प्लीज डू ज्वाइन नाउ एंड यू विल गेट अ चांस टुडे। टोटो इज बैक इन द हाउस एवरीवन, एंड यस थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो, यू हैव बीन सच अ बिग पार्ट ऑफ द चैनल एज वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ओके निशा आपका पॉइंट एंड देन लेट्स गो विद यू एंडी। वो मुझे आरू का एक चीज ठीक करना था पॉइंट, वो ये बोल रही थी अभी कि मनारा को पता नहीं था कि औरा ने उससे बात की है मुनावर से, लेकिन जब वो मुनावर औरा बात कर रहे हैं तो फिर मनारा ये टॉन्ट क्यों कस रही है, अच्छा ये वही वाली बात बात हो रही है, वही क्लियर हो रहा है, ये हो रहा, उसको कैसे पता कि ये यहाँ पर वही डिस्कशन चल रहा है, औरा से और कोई रिलेटेड बात नहीं हो सकती, ये ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ सुना हो, उस तो उसने तुरंत बोला कि यही डिस्कशन चल रहा है, तो वो उसको कैसे पता चला, ये मेरा क्वेश्चन। थैंक यू वेलकम मोनिशा, वेलकम राहुल, आपका आज हम सुनेंगे रिव्यू एंड आई एम ग्लैड यू गाइस हैव जॉइंड। And let's go to Aru, aapka point hai, then let's go to Urvi for her review. हाँ जी, मैं मतलब निशा उस टाइम पे जब मनारा ने तो पहली अपनी गोलियां बरसानी स्टार्ट कर दी थी आते ही, तो उस टाइम उसने नहीं देखा कि मुनव्वर क्या बात कर रहा है क्या नहीं कर रहा, पर मुनव्वर कंटिन्यू ही था उसके साथ औरा के साथ, और मतलब इतना तो शायद मुनव्वर को वो जानती होगी कि मुनव्वर अपनी जो जो भी वो बोल रही है उसको कहीं ना कहीं तो उसको पॉलिश करने की कोशिश कर ही रहा होगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये फ्रॉम दैट पॉइंट था कि नहीं उसे पता है कि मुनव्वर जानता है इस बारे में, मुझे नहीं लगता कि वो वहां से था, वो उससे था कि अच्छा ये कुछ ना कुछ तो पट्टी पढ़ा रहा है औरा को, ये वो था, तो या आई डोंट अग्री। थैंक यू वेरी मच, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस एंड गो टू उर्वी। वेलकम उर्वी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, आज आपका रिव्यू, लेट्स हियर इट। हे हाय एंडी, हाय चुगली गैंग, वेरी आई मीन इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू जॉइन यू गाइस हियर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैंने लाइक बहुत देखा नहीं है बिकॉज मैं बहुत टू मतलब बिट्स एंड पार्ट्स में देखती हूँ, मैं पूरा कंटिन्यूसली देख नहीं पाती हूँ, but whatever I could recollect और जो इतना मैंने देखा था and what I liked, I just want to highlight, I really liked Isha's game today. I mean, she has really shined this entire week, her decisions were on point. मतलब अगर वो ऐसी हो रही है तो बिग पे बोल के बायस हो जाए, बिग बॉस बायस है, शो बायस है, तो मैं भी क्यों नहीं बायस होंगी, तो she is just being on point, so I'm really liking her game and she's really shining for me. In fact, like I really want top five, but उसको वो decision भैया को आउट नहीं करने का, आई गेस दैट माइट बैकफायर ऑन हर, बट या आई जस्ट होप शी इज इन द टॉप फाइव। एंड मतलब मैं नॉर्मली आई डिड नॉट लाइक मनारा एट ऑल इन दिस एंटायर सीजन, बट टुडे इन वन टुडे इज ओनली टुडे इज एपिसोड आई लाइक हर। आई मीन शी वॉज गिविंग, आई मीन जो उसने रोस्ट किया है सबका, शी वॉज लाइक सेइंग थिंग्स, बट टू सम एक्सटेंट वो मुझे रूड नहीं लग रही थी इतनी,
वो बोल रही थी, वो अपना निकाल रही थी जो भी उसके मन में था, बट शी वॉज नॉट रूड. नहीं तो प्रीवियसली शी यूज टू बिकम वेरी मीन, वेरी रूड. वो उसका टोन से समझ में आता था, बट आज आई डिड नॉट फाइंड इट. सो आई वॉज लाइक ओके. वो आयशा पे उसका जितना भी था वो निकल रहा था, वो समझ में भी आ रहा था कि शी इज नॉट लाइकिंग अर, बट दैट्स ओके. एंड आई थिंक द थर्ड पर्सन आई एम लाइकिंग चिंटू अगेन. ही इज बींग अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर ईशा, सो वेरी गुड, कुडोस फॉर. एंड थैंक गॉड उसने रिंकू जी को नॉमिनेट किया फाइनली, किसी ने तो किया, बिकॉज बहुत ज्यादा हो गया था उनका भी. शी नीड्स टू गो. आई होप कोई अरुण को भी कर देता. दीज टू रियली नीड्स टू गो बिफोर ऑरा. दीज टू नीड्स टू गो आई फील. एंड आई थिंक देन बाकी सब तो ठीक थे. अभिषेक था, आई गेस ही वॉज बींग हिज यूजल सेल्फ, पहले खुद एग्रेसिव होने का और फिर ही यू नो फिर रोना करने का, फिर ये बोलने का कि तुम बायस हो, ये हो, वो. ही हैज टू जस्ट प्ले द गेम, ही शुड बी अवेयर ऑफ दैट. सो या आई गेस इट वॉज हिज यूजुअल थिंग. एंड में बुरा भी लगता है जब वो रोने लगता है. आई गेस दैट्स हिज वे ऑफ गेटिंग सम सिंपैथी. बट फिर पता है कि नेक्स्ट एपिसोड में ही विल कम बैक टू हिज नॉर्मल फॉर्म, बींग यू नो रूड पर्सन, मीन पर्सन एंड स्पीकिंग रबिश. तो ज्यादा देर तक सिंपैथी उसको भी नहीं दे सकते. तो या दैट्स ऑल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉइंट्स ऑफ व्यू. थैंक यू सो मच अगेन. आई एम गोना माइक म्यूट यू. देखो आई थिंक इनके कनेक्शन में थोड़ा सा इशू था, इसलिए वो नॉइज जो आ रही थी इट वाज फ्रॉम देम. हमने अपना सिस्टम चेक किया था, अभी मैं चेक कर रहा था साथ ही. इट वाज दिस माइक ओनली, इट्स नॉट द अदर माइक्स. ओके सो जस्ट दैट्स आउट देयर. लेट्स गो टू मोनिशा जी. वेलकम बैक. Hi everyone. Hi Andy. Thank you for this opportunity. I was looking to join you guys for a long time and I love all of your reviews, and especially Sanj, Nisha and Paulami. But today I'm getting this opportunity to share my reviews, so I'll do that. So in the show I don't think I like anybody particularly, but in bits of course, because everybody has gone wrong in different manner. But today especially, I think this week continuously, I have seen Manara going really very wrong. Like I don't find a point, like क्यों वो ऐसा कर रही है, किस लिए कर रही है. क्योंकि आई बिलीव कि वो कभी मुनावर के साथ नहीं थी, कभी उसको ऐसे लाइक यू नो हमेशा ऊपर ऊपर से सपोर्ट करती थी. बट कभी भी लाइक यू नो अनुराग के साथ बैठ के हमेशा उसके बारे में बात करती थी. हमेशा उसके मन में एक डाउट सा होता था, क्योंकि वो पूछती थी ऐसे क्वेश्चन, क्या वो ऐसा है, क्या वो सच में ऐसा है, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछती थी. बट फिर बाद में जब उसको सलमान सर से या बिग बॉस से हमेशा एक सपोर्ट मिला है कि बी विथ मुनावर, सो शी कम्प्लीटली इग्नोर्ड अनुराग एट अ पॉइंट एंड वेंट फॉर मुनावर. बट मुनावर ने कभी स्टार्टिंग से उसका साथ ऐसे दिया नहीं था. एंड सडनली जब आयशा आती है, मुनावर के लाइक प्रायोरिटीज चेंज हो जाते हैं. एज अ फ्रेंड आपका पहला चीज होता है कि आप अपने फ्रेंड को सपोर्ट करो, ना कि उसके लाइक डिफिकल्ट टाइम्स पे उसका साथ ना दो. एंड आई फाइंड लाइक उस टाइम पे मनारा को मुनावर का साथ देना चाहिए, तो पूछना चाहिए था कि आपको टाइम चाहिए तो फिर ठीक है, आई अंडरस्टैंड या समथिंग. ऐसा कुछ नहीं था. शी गोज इन टू सम अदर रूम, देन शी स्टार्ट्स क्राइंग द वे शी क्राइज. एक टाइम पे जब वो मस्कारा वगैरह सब बह गया था, मुझे उस दिन उनके ऊपर बहुत बुरा लगा. लेकिन उसके बाद जब यू नो एक होता है रिवेंज लेने का तरीका, लेकिन वो ऐसे कर रही है जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिखा रहा है उनको, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड शी कम्स फ्रॉम. बिकॉज उनके बैकग्राउंड को हमेशा ही हाईलाइट करा जाता है कि आप यहाँ से आते हो, आप इस फैमिली को बिलोंग करते हो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इवन उनको भी देखा गया है शो पे ये बोलते हुए कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा घर ऐसा है. तो अगर ऐसा है तो आपके घर वालों का या आपका क्या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि ऐसे, मुझे नहीं लगता. वॉट एवर शी इज डूइंग देर इज अ वे. एंड मुझे नहीं लगता आयशा ने कभी उनको डायरेक्टली कहीं पे भी कुछ भी बोला है. इनफैक्ट आई हैव सीन आयशा गोइंग अगेंस्ट मुनावर एंड सेइंग, पर उसने तो अपने आप को सपोर्ट किया था वो कैप्टेंसी वाले टास्क में, सो वाई आर यू टेलिंग हर हिपोक्रेट. सो जब आयशा ने कभी उनको नहीं बोला था, देन वाई इज शी डूइंग दिस टू मुनावर. एंड मुझे नहीं लगता कि मुनावर और मनारा मुनावर कभी उनके साथ रहना भी चाहते हैं. एंड बट मनारा कीप्स ऑन यू नो फोर्सिंग एंड गोइंग इनटू द वॉशरूम विथ हिम. दैट वाज कंप्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल. बट अगेन
everybody is supporting her, so she is getting hyped up and doing it, which does not look good. I think there is a way of saying your or conveying your feeling at all. I think Isha बहुत अच्छा खेल रही थी कल तक, and she was जो उन्होंने eviction के task में करा वो बहुत ही अच्छा था, that was on completely fire. But उसके बाद I don't think आज इतना अच्छा था, because आप अगर relations के बारे में बात कर रहे हो तो अंकिता पहले आना ही चाहिए, और मनारा के साथ इतना कुछ उनका रिलेशन नहीं था एक्सेप्ट फॉर बुलिंग. इवन दे बुलीड खानजादी उस टाइम पे भी, किसी ने कुछ भी नहीं बोला ना खानजादी को सपोर्ट किया. सो आई डोंट थिंक वी शुड सपोर्ट बुलिंग एट ऑल, बट आई थिंक कि देर इज अ अदर वे ऑफ सेइंग इट. एंड मुझे विक्की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी वाइफ के साथ बिहेव करते हैं दैट इज नॉट अप्रिशिएटेड. एंड ये सारे टॉपिक्स है जो वीकेंड के बार पे बताने चाहिए सलमान खान को, बट ही नेवर टॉक्स अबाउट इट. ही टॉक्स अबाउट द थिंग्स जो कि मैटर नहीं करते. सो आई थिंक दैट वुड बी माई रिव्यू फॉर टूडे. थैंक यू अगेन. थैंक यू एवरी वन. चलो लेट्स गो टू राहुल. राहुल आज का ओपिनियन आपका लेंगे, बट जस्ट आफ्टर दिस गिव मी वन सेकंड. प्रतीक्षा अग्रवाल कहती हैं थैंक यू फॉर द सुपर चैट. बुलिंग अगेंस्ट आयशा वाज बैड, बट व्हाई आयशा डोंट स्पीक अप, व्हाई मुनव्वर इज बीइंग हर माउथपीस एंड टेलिंग हर डोंट स्टूप लो, स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ इज रॉन्ग. नाउ देखो, ये जो प्रतीक्षा जी आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, आप कह रहे हैं कि बुलिंग बिल्कुल गलत है, पर आयशा को खुद अपनी बातें खुद रखनी चाहिए. मुनव्वर उसको क्यों बंद कर रहा है उसका मुंह, उसके लिए क्यों बात कर रहा है? मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है. वो बात ये है कि अगर आयशा का मुंह खुल जाता है फिर वो पूरी तरह खुल जाएगा ना, तो ये नहीं चाहते हैं कि इनका मुंह पूरी तरह से खुले. क्योंकि पूरी तरह से, क्योंकि अगर लड़ाई में, अगर वो लड़ाई जहां बनारा के साथ कर रही है, अगर वहां पे एक के साथ एक लग के दो बन गया या एक के साथ एक लग के तीन बन गया, फिर मुनव्वर की गेम शून्या हो जाएगी. इसलिए वो उसको कह रहा है तू चुप रहे, तू चुप रहे, तू चुप रहे मेरी माँ, तू मत कुछ बोल. तो इस वजह से वो खुद ब खुद बोल रहा है, ताकि वो कंट्रोल, मैडम कंट्रोल कर सके आयशा को, और उसको उसके साथ शायरियां और एक साथ एक बोल में खा सके. यही इनकी अभी गेम है और यहीं पे इनको जूझना है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंट, सुपर अप्रिशिएटेड. पूनम उपाध्याय थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट, सुपर अप्रिशिएटेड. लेट्स गो टू राहुल. राहुल वेलकम. आई थिंक आप पहली बार आ रहे हैं. यस आंटी, आई एम कमिंग फर्स्ट टाइम. हिंदी में बात ना करें, हिंदी में, क्योंकि सब मुझे मुझे बहुत शुद्ध हिंदी आती है और मैं बहुत अच्छे से हिंदी में वार्तालाप कर सकता हूँ. बात ये है, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत 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 बड़ा प्रशंसक हूँ. आई लव यू एंडी फ्रॉम द टाइम लाइक व्हेन आई वाज लाइक 20-22 साल का जब मैं था, तब से मैं आपको पसंद करता हूँ आपके वीजे शो का. या मैंने 10 साल नो 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 I look 25-26 का, but I'm 35, so that's okay. तो मैं ये नहीं बोलना चाहता था कि okay, मैं आपको बचपन से प्यार करता हूँ और अच्छे लगते हो आप मुझे. You are just मतलब seriously, you helped me in my lockdown time, and a lot of situations happen where like your video make me sleep. So मैं इसलिए आज आया था क्योंकि आपकी बात मुझे एकदम मेडिटेशन की तरह लगती है. मिमिक द वे आप 2 मिनट के लिए कुछ बोलते हो और इतने सारे उसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व कर देते हो. सो यू आर फैब. सो दिस इज योर अप्रिसिएशन. लाइक आई लव यू और द होल पैनलिस्ट आई लव. आई लाइक निशा जी वेरी मच. निशा जी आप मुझे मेरी बहन की याद दिलाती हो, सीरियसली. अरु आपका वो क्यूट तरीके से बात करना मुझे बहुत पसंद आता है. एंड आई एम मिसिंग सांच. एट टाइम्स आई एम डिसएग्री टू हिज लाइक व्हाटएवर ओपिनियन ही गिव, मतलब वो कम्प्लीटली बायस्ड एंड थोड़ा हो जाता है, बट आई लव हिम, ही इज अ जेंटलमैन. और रही बात शो की, तो शो में मुझे मैं कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अंकिता को पसंद करूँ, बट मैं नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों. कुछ ना कुछ रीजन है उसे, कहीं ना कहीं वो स्टॉप हो रही है या क्या उसको रोक रहा है, बट चाहने के बाद भी मुझे पसंद नहीं कर पा रहा हूँ, वो दैट इज अ प्रॉब्लम. मनारा'स गेम टुडे इन एपिसोड वॉज लाइक फुली Not acceptable. Okay, उसे रिवेंज लेना है, उसे क्या करना, उसे मुनव्वर से प्यार हो गया है या क्या हो गया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा. She needs at least a counseling sessions for sure. She's going very bad right now. In few scenes I felt, but otherwise she's fine. She's fab.
वो क्यूट है, उसकी फैमिली पे नहीं जाना चाहिए भाई। प्रियंका चोपड़ा का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, मुझे एक बार उससे मिलने की ड्रीम है। बट मनोवर आई, मैं लॉकअप के टाइम से मनोवर को नापसंद करता हूँ बिकॉज ऑफ हिज मैनिपुलेशंस एंड द वे शो हैज शोन हिज कैरेक्टर, इट सेज इट ऑल। मनोवर थैंक यू सो मच, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो एंड एब्सोल्युटली आई डोंट लाइक यू, सो दैट्स स्ट्रेट अप। एंड इस शो में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है एंडी, मैं बिग बॉस सीजन 1 से देख रहा हूँ टिल सीजन 17 और मुझे ऐसा कोई सीजन नहीं है जो मैंने नहीं देखा है। आपका सीजन मेरा फेवरेट था फ्रॉम देन, मैंने आपके सीजन में आपको देखने के बाद आपको रिसर्च किया, फिर मैं आपके शो देखने लगा डे टू डेट एंड देन आई स्टार्टेड फॉलोइंग योर करियर बिकॉज आपका सीजन में मुझे आपका कैरेक्टर इतना अच्छा लगा, ऑनेस्ट स्ट्रेट अप एंड इनोसेंस, दैट वॉज योर कैरेक्टर इन योर सीजन, नथिंग मोर एंड लेस। आपको जीतना चाहिए था बट ठीक है, गौहर जीती, गौहर वॉज ऑल्सो फाइन, बट आई वॉज वोट फॉर एंडी, माई थिंग वॉज दैट। और आई विल सी मच, बहुत ज्यादा मैं बात करने लगूंगा बिकॉज आई लव यू एंडी एंड यू आर जस्ट यू गिव मी मोटिवेशन एंड यू हेल्प मी अलॉट इन एनी मेनी वेज and love for panelist, everyone is fine. Aru, please आप अपने वो बच्चे वाले आवाज में बोला करो, you are just आप ऐसे ही बोला करो, मुझे आप अच्छे लगते हो, please आप बोला करो। Thank you Andy, that was a review. I have just watched like 30 minute show, so I don't have much to say about today's episode. ठीक है ना, but thank you for joining and thank you for all your lovely kind comments, it means a lot to me to hear this directly, क्योंकि honestly हम बैठते हैं यहाँ पे ज़्यादातर किसी से बात नहीं होती ऐसे वाली, but and मैं भूल जाता हूँ कि मेरे नी करियर थोड़ी लंबी रही है, you know I also forget, I honestly like I'm like हाँ I did that also, हाँ oh yeah but thank you for appreciating it, I really yeah it touched my heart. और मैं कुआं में डूब जाऊँगा, मैं बहुत डांस करता हूँ because it was your choreograph song. वाह वाह, तो मेरे गाने भी अब पसंद है, वाह 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 वाह, एकदम कलियों का चमन से कुआं में डूब जाऊँगा, every song I choreograph also and I dance, I enjoy. वाह वाह, I'm very impressed. You मेरा पूरा बायो डेटा आपके पास है. I'm very impressed with this. ये श्वेता सुन रही है. She is going back. श्वेता is इनका पंखा हमें दिख रहा है. हाँ ठीक है. तो पीछे का वॉल्यूम आप बंद कर देना श्वेता जी. श्वेता जी, श्वेता, she's gone. Anyway, but thank you again, Rahul. Let's तो अरु आपको कुछ बोलना है, बताइए. हाँ जी, मैं मेरी आवाज अभी ठीक आ रही है ना? I hope it's not too loud because comments में सब लोग बोल रहे थे कि मेरी आवाज बहुत जोर से आ रही है. मेरे को राहुल को बहुत 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 शुक्रिया बोलना है क्योंकि मुझे बहुत आदत हो गई है अपने बारे में बुरी चीजें सुनने की, तो जरा सा कोई अच्छा बोल रहा है ना तो मेरे को थोड़ा सा ऐसा अंदर से कुछ कुछ हो रहा है. आई एम नॉट यूज्ड टू इट. थैंक यू सो मच राहुल, यू आर वेरी काइंड. मेरे को और तो कुछ नहीं बोलना, बस थैंक यू बोलना, और मेरे को श्वेता को स्पेशल हाई बोलना एंड वेलकम बोलना बिकॉज शी इज माई फ्रेंड. दोस्तियां एंड ऑल, अच्छा, we'll see. चलो ठीक है, let's go to Rumi. Welcome back, Rumi. How are you? Hi Andy, how are you? Hi Nitya, hi Aru, how are you? पूरा टाइम हो गया रूमी जी, वो इतना टाइम हो गया, आप तो आती ही नहीं हैं. Andy, I always told you, I see your video and I go to sleep every day. You know, I work in a resort industry and it's like by the time I come back home, I just switch on the Big Boss, finish it, I put on your show. So, I'm sometimes put on your show and I just go to sleep, that's all. But I really actually wanted to come and say, first of all, Merry Christmas. And Merry Christmas to each and every one of you. And congratulations for 40K. Andy, you're going to make it to 100K or maybe much more. I'm just waiting for those days. Small milestones for us. Small milestones are very big for us. Very small. We are very happy with. And yes, 100K soon. So, in that case, like karo, subscribe karo. Okay, देखो मैं आज एक बार ही नहीं बोला. हाँ, बोलिए रूमी, आपको आज एपिसोड के बारे में कुछ बोलना है? Otherwise, it's just a general call. एपिसोड के बारे में, you know, for me, I like Vicky.
I know he's playing the game awesome. I just, for me, I used to like Munawar at a time, you know, kyunki mujhe lagte hai jo log people play with a brain, you know, that is very interesting to watch a show. But jab they start fooling you from their discern, you know, it is like you play with your mind, but then you don't play with your emotions. The way he was playing with each and everybody's emotion, ki I have a girlfriend, I have somebody, or aaj jo wo show mein kar raha hai, shaadi ya kar raha hai, aaj jo wo cheez jo, agar he could have taken a stand very clearly, he said, "Hum, Manara, I have a girlfriend, fine." But at the same time, he used to give that thing, ki, you know, he'll take a stand for Manara, he used to do a lot of things. So actually when Manara, I can feel her that what she's going through. She was given a hope. Jusko ek dikhaya gaya tha ki, you know, kahin na kahin kuch na kuch ek achhi dosti kuch ho sakti hai uske aur Munawar ke piche. But aaj jo wo Aisha ke saath aate hi, he has changed. Somewhere, you know, I feel ki, you know, I can connect with Aru, what she's trying to explain to people. People, aaj, everybody has forgotten ki what he has done. People are judging today what he is doing in the show. But people have forgotten what a woman has gone through. Ek ladki jo us emotion se go through kar rahi hai, aaj uska jo vent out nikal raha hai, aaj ka uska jo emotion nikal raha hai pure show ke andar, hum dekh rahe hain mujhe kitni galat hai, kaise किसी के ऊपर ऐसा बोल सकती है भाई. वो बंदी 2 महीने तुम्हारे साथ तुम्हारी पीठ पीछे बोलती थी, तुम तब ओके थे. आज जैसे आयशा का ही मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे जैसे अभिषेक आके बोलता है आयशा को, आयशा के बारे में, मुनावर तो ओके, नो यार वो ऐसी ही है. लेकिन जैसे ही वो आके इसके बारे में बोलता है, विक्की के बारे में, इमीडिएटली विक्की को कन्फ्रंट करना शुरू कर देता है. तो दैट्स व्हाट इज लीडिंग ऑन, दैट्स व्हाट. एंड आई डोंट नो हाउ पीपल आर जस्ट not connecting to her and saying slut shaming or talking crap ki bhai Manara aise kaise uske piche bhag sakti hai uske bathroom ke. Are bathroom mein to wo manane gayi thi na, usko har jagah manane bhag rahi thi na. Munawar agar Aisha nahi aati to aaj bhi uske piche bhag raha hota, lekin aaj wo nahi bhag raha hai. Kyun? Kyunki uske paas Aisha aa gayi, usko lagta hai uska game bahut strong ho gaya. नहीं, उसका गेम आज उसकी रियलिटी सबके सामने आ गई है कि आप जो हो वो आप दिखा नहीं रहे हो. एनीवे मैं बहुत लंबा बोलती हूँ, दूसरे को बोलने का मौका देता हूँ. आज मैं वेंट आउट के लिए नहीं आई थी. आई वांट टू टेल एवरीबॉडी मैरी क्रिसमस एंड इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर. Well, that's amazing. Thank you so much for your reviews, guys. I'm so happy that we have seen some new chehre today. I hope ke aap fir se aaye and share your views. It's very nice to hear from everybody. Thank you everyone for being here. Aaj hamara show itna hi hai aaj ke liye. Abhi hum jayenge after party mein, agar kisi ko hame join karna hai. Aur aapka membership Namaste Yoga and upar hai, you are welcome to join us in the after party. Guys, take care of yourselves. Namaste Yoga. Yoga se hi hoga. Say bye, Chugli gang. I'm a yoga teacher too. Bye-bye. Bye, everyone.